नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धूपन गुप्ता आप लोग लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा बिजनेस का जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है उसमें हमारे भाइयों को बिजनेस करने में बहुत परेशानी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका सेल्स से बैकग्राउंड नहीं होने के कारण वो अच्छा पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं लेकिन मार्केट में बेच नहीं पाते हैं, तो वहाँ बहुत सारा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, आप मेरे पास में देख सकते हैं कि आटा चक्की का एक अच्छा रेंज, जो घरेलू बिजनेस कह सकते हैं, इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। कम वोल्टेज में, कम लागत में आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए इस बिजनेस के बारे में आज बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे आपने बहुत सारी आटा चक्की भी देखी होंगी और बहुत सारे बिजनेस के बारे में हमने बात किया है। ये स्पेशल मशीन है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये मशीन जो है 3 HP डबल चैम्बर सिंगल फेज में आता है, मतलब कि 3 HP का मोटर इसमें लगा हुआ है। इसमें डबल चैम्बर है प्लस सिंगल फेज से आपका मतलब घरेलू, सिंगल फेज इन द सेंस कि घरेलू बिजली जो है उससे आपका ये मशीन आप चला सकते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें घंटे के में लगभग 40 केजी के आसपास इसमें गेहूं आप पिसाई कर सकते हैं। बेसन इसमें 60 केजी तक कर सकते हैं। मसाला भी इसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें पिसाई कर सकते हैं। मशीन की जब क्वालिटी की बात करते हैं, मशीन में क्या क्या मिलता है मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं नीचे इसमें 7 जालियाँ हैं, जो 1 नंबर 0 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक 7 जालियाँ मिलेगी। प्लस एक ढक्कन है जो चेम्बर में लगाया जाता है, जो मसाला का हॉपर लगाने के पर काम आएगा। जब हम अनाज पीस रहे होंगे तब ये ढक्कन लगाना है। एक कपड़ा मिलता है और एक ब्रश आपको साथ में देते हैं चेम्बर की अच्छे से सफाई करने के लिए। साथ में आपको एक मसाला का हपर देते हैं, जो आप अगर मसाला पीसना चाहते हैं तो इस साइड से इसको कनेक्ट करके मसाला भी इसमें आप पीस सकते हैं। उसके बाद एक बकेट देते हैं और एक प्लास्टिक का नोब देते हैं, जिससे आपका आटा अच्छे से पैक हो जाए, उड़े नहीं। आप इस कपड़े को इसमें लगा करके इसमें पैक कर सकते हैं। इतना चीज़ हम आपको मशीन के साथ देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मशीन के क्वालिटी के बारे में। ये मशीन फुल्ली MS बॉडी में हमने बनाया है ताकि इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो, और ऊपर का हापर हमने प्योर SS में बनाया है, जो ताकि इसका जो लाइफ हो वो ज़्यादा हो। हर तरीके से इसके बिल्ड क्वालिटी का, इसके लुक का, हर चीज़ का हमने पूरा ख्याल रखा है, इसके मजबूती का ख्याल रखा है। नीचे का बेस भी हमने MS का दिया है, जो काफ़ी मजबूती से काम करता है। दूसरा चीज़ है कि नीचे में हमने देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें हमने नीचे में व्हील लगा दिया है, उससे आपको कहीं ले जाने, लाने और कैरी करने में आपको बहुत ही सुविधा होगा। अगर कहीं आपका दुकान है शहर में और आपके मार्केट में बाहर निकाल करके इसको लगाते हैं फिर अंदर करके उसको रख देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मसाले वगैरह की दुकान है या दुकान में शहर में दुकान करके आप पिसाई वगैरह करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके चेम्बर की क्वालिटी का। तो आप देख सकते हैं कि 6 ब्लेड वाली डबल चैम्बर इसमें हमने लगा रखा है। 6 ब्लेड की डबल चैम्बर है, जो बहुत ही मजबूती से हमने इसको बनाया है और बहुत ही बेहतर क्वालिटी का दांती है। जाली एरिया भी हमने काफ़ी दिया है, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पीछे की तरफ भी एक चैम्बर हमने दिया है, उस चैम्बर से आपका जो है कि प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वान्टिटी बढ़ जाएगा। डबल चैम्बर होने की वजह से इसका क्रशिंग पावर भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें हम मोटर कैसा देते हैं। 3 HP का मोटर देते हैं, जो फुल्ली कॉपर बाइंडिंग मोटर होता है, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है मशीन की और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आप इससे ले सकते हैं। अब मेन बारी है कि ये मशीन के बारे में लगभग आपका फुल डिटेल हो गया। अगर इस बिजनेस को आप लोग करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को मन में डाउट रहता है कि इसमें कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत है या नहीं, तो विशेष लाइसेंसिंग का या डॉक्यूमेंटेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहर वगैरह में करते हैं बिजनेस, तो आपको एक आधार उद्योग पोर्टल है, वहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आप अपना सारा डिटेल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मैं MSME रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि क्या इससे हम अच्छा पिसाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें कुछ गेहूँ पीस करके दिखाता हूँ, उसके आटे की क्वालिटी दिखाता हूँ, ताकि आप सही से डिसाइड कर पाए कि ये मशीन आपके लिए कितना सही है और कितना आप इसे एक बेहतर व्यवसाय बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए आइए और देखते हैं इसमें कैसे गेहूं पिसाता है।
हमने यहाँ पे कुछ गेहूँ रख दिया है और इस हॉपर में आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, वो हमारा यहाँ एक 16 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। थोड़ा सा पास से दिखाइए, 16 एम्पियर का सॉकेट से क्या है कि इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, जो घरेलू बिजली से है। सीधा प्रमाण है कि ये घरेलू बिजली से ऑपरेटेड है। और इसको अब स्टार्ट करने का विधि मैं दिखा देता हूँ। चेंबर को हम आपको एक बार चेक कर लेंगे कि चेंबर में हमारा सही से जाली लगा हुआ है या नहीं। मैं आपको चेंबर खोल करके दिखा देता हूँ। मैंने नीचे से कपड़ा इसमें बांध रखा है, देखेंगे तो इसमें हमने एक नंबर का जाली लगा रखा है। पहले हमने बेसन पीस के दिखाया था, अभी आपको आटा पीस के दिखाऊंगा। और इसको एक नंबर जाली, इस मशीन को हम ऑन करके दिखाते हैं। ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने लाइन से दे दिया है कनेक्शन। और यहाँ पे थोड़ा सा पास में आइए, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कलर का बटन है जो कैपेसिटर है। बहुत लोगों को ये मशीन स्टार्ट करने में परेशानी होता है, इसमें हमने कैपेसिटर का स्विच दे रखा है। और ये हमारे रेड इंडिकेटर है और ये हमारा एमसीबी है। इसको कैपेसिटर को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद इसको उठाएंगे, ये मशीन पूरा ऑन हो जाएगा। अब देखिए मशीन एक नॉर्मल चाल में चला गया है, लेकिन इसमें अभी हमने अनाज नहीं छोड़ा है। ये जो हमारा नॉब है इसको पूरे तरीके से बंद कर रखा हूँ, ताकि जो है जब हम इसको चाहें तो अपने हिसाब से लोड मैनेज कर सकते हैं। एक बार आरपीएम मीटर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आरपीएम मीटर अभी जीरो पे है। और अब हम अनाज छोड़ना यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इसको ढीला नीचे से ऊपर उठाएंगे, उसके बाद उठाने के बाद यहाँ से अब आपको यहाँ से हम अनाज को छोड़ना शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि आरपीएम मीटर इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखिएगा। और यहाँ से गेहूँ भी जा रहा है। यहाँ से गेहूँ नीचे जा रहा है, काफ़ी स्पीड से जा रहा है गेहूँ। और यहाँ पे आप आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं कि बहुत लो आरपीएम पे हम चला रहे हैं। और यहाँ से नीचे अनाज जाना शुरू हो गया है, नीचे आटा भी गिरना शुरू हो गया है ना। अब मैं आपको इसका आटा का क्वालिटी चेक करा देता हूँ एक बारी खोल करके कि इसमें आटा का क्वालिटी कैसा आया है। आप देख सकते हैं कि आटा किस क्वालिटी का इसमें पिसाया है। ये आपके सामने लाइव है, बिल्कुल ही अनकट वीडियो है। और बहुत ही सफ़ेद आटा है और बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कोई इसमें ये नहीं है। इससे बेहतर आटे की क्वालिटी और क्या हो सकती है। पत्थर की चक्की अगर हम लोग चलाते हैं आप लोग, तो कभी भी इस क्वालिटी में आटा आप नहीं जो है पीस पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप इसके क्वालिटी का चेकअप कर लीजिए और बहुत ही कम समय में अच्छा खासा प्रोडक्शन इसमें आपको देखने को मिल गया है ना। तो ये आपका आटे का क्वालिटी है। बाकी अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इंडिया के किसी भी कोने से है, हमारा डिलीवरी ऑल इंडिया में है। हमारा भारत मशीनरी जो है एंड इंटरप्राइजेज बिहार के वैशाली ज़िले महुआ में है, जो हाजीपुर से निकट, मुजफ्फरपुर से निकट और समस्तीपुर से निकट है। आप लोग पूरे ऑल ओवर बिहार कहीं से भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं 100% आपका कॉल पिक करता हूँ और पूरी आपको संतुष्टि कराने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है तो एनी टाइम आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए अगर ज्ञानवर्धक या यूजफुल साबित हुई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक बटन दबा करके हमारी मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार रेड बेल आइकन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपके लिए जो भी बिजनेस आइडियाज पसंद आएंगे आप उसको कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।